हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे भंडारे वाले आलू की सब्जी और पूड़ी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं भंडारे वाले आलू की सब्जी, जो कि मैंने बॉयल आलू लिए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे टमाटर 3 लिए और इसमें डालने के लिए कसूरी मेथी, तेज़पत्ता। अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं। इसमें मैंने सरसों का तेल लिया है, आप अपना रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार वही लेना है। कम ऑयल खाते हैं आप, ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से। सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे, इसमें हम हींग डाल देंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार, और हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। जब तक ये तेल न छोड़ दे, तब तक हमें भूनना है, जब तक तेल छोड़ दे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा मसाला भून चुका है, जो अच्छे से तेल छोड़ दिया है। जिसमें कड़ी पत्ते और कसूरी मेथी भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें मैं बॉईल कर आलू मैंने खोल लिए, जो ये डाल रहा हूँ, दिख रही है। अब इसमें मैं आलू डाल दूँ, हम इसमें पानी डाल देंगे 2 गिलास। देखिए हमने 2 गिलास इसमें पानी डाल दिया। 10 से 15 मिनट इसे मीडियम गैस फ्लो पर पकाएंगे। अब इसमें ये गरम मसाला डाल रही हूँ। दस से पंद्रह मिनट में से मीडियम फ्लो पर पका देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे आलू की सब्जी तैयार हो चुकी है। इसमें मैं गार्निश के लिए हरा धनिया डाल रही हूँ, बारीक कटा हुआ। थोड़ा सा अमचूर, ये मैं रायता तैयार कर रही हूँ। इसमें आपको तड़का लगाकर दिखाती हूँ।
ये इसमें मैं हींग जीरे का तड़का लगा रही हूँ। अब जीरा हमारा भुन चुका है, अब इसमें मैं हींग डाल रही हूँ। ये हमारा मैंने, आप चाहे तो आप छाछ भी ले सकते हैं, मैंने दही को फेंट लिया अच्छे से। अब मैं इसमें गार्निश करने के लिए एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। धनिया दो तीन पत्ती, पुदीने की काट के बारीक मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें मैं ये बूंदी डाल रही हूँ। हमारा नाश्ता तैयार। तड़का लगा दिया, हरा धनिया डाला और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और दो तीन पत्ती पुदीने के, और ये मैं इसके अंदर बूंदी। आप चाहें तो आप प्लेन नमक भी डाल सकते हैं, मैं इसमें काला नमक ऐड करूंगी। अब हमारा रायता तैयार है। सो फ्रेंड्स, अब हम पूरी बना रहे हैं आलू की सब्जी के लिए। ये पूड़ी बनाने के लिए मैंने नॉर्मल आटा यूज किया है, इसमें मैंने मोमन बिल्कुल नहीं डाला। और अच्छा से फ्लैपी और फूलने के लिए मैंने इसमें बेकिंग पाउडर मिलाया आटे में, और नमक, अजवाइन वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला। तो फ्रेंड्स, अब हमारा भंडारे वाले आलू की सब्जी पूड़ी एकदम तैयार है, रायते के साथ और सलाद के साथ। यम्मी टेस्टी एकदम, और इसे आप कंचक में भी खिला सकते हैं बगैर प्याज का खाना है। अगर आप सोचें आपके घर मेहमान आए तो फटाफट बनने वाला खाना है ये। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें।